हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल क्रूज राइडर प्रियांशु। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सर्दियों में कमर्शियल व्हीकल को ड्राइव करने के लिए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं। इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले तो अपनी विंडशील्ड एंड मिरर को साफ रख लेना चाहिए बिल्कुल। बात करें जब ठंडों में विजिबिलिटी रोड पर काफी ज्यादा कम होती है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड किन किन चीजों के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। वाहन चलाने से पहले हमें विंडशील्ड को प्रॉपर साफ कर लेना चाहिए वाइपर्स के थ्रू, एंड कोई भी कपड़ा वगैरह हो तो उससे हमें साफ कर लेना चाहिए, जिससे विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी बनी रहे। और अपने से आगे वाले व्हीकल का ब्रेकिंग लाइट का प्रॉपर ध्यान रख लेना चाहिए। पहले हमें अपने व्हीकल के लाइटिंग सेटअप को अच्छी तरीके देख लेना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। और अपने व्हीकल के अंदर की साइड से फॉग जो जमा होता है शीशों पर, उसे डिफ्रॉस्ट करने के लिए एयर कंडीशनर का यूज करना चाहिए। और हमें उन ड्राइवर्स का भी प्रॉपर ध्यान रख लेना चाहिए जिनकी विजिबिलिटी सीमित है। सेकंड पॉइंट आता है, ध्यान से चलाएं, फिसलने वाले इलाकों पर सतर्क रहें, सावधानी से ड्राइव करें। जिन इलाकों में फिसलन ज्यादा होती है वहां पर हमें सतर्क ज्यादा रहना चाहिए। एंट्रेंस और एग्जिट रैंप पर सावधान रहें। फिसलने का सबसे ज्यादा खतरा तीव्र मोड़ पर होता है, वहां पर आप अपना कंट्रोल भी खो सकते हैं जिस कारण आप फिसल भी सकते हैं। ब्रिज क्रॉस करते हुए सतर्क रहें, यहां की सरफेस जम जाती है और फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। स्नो में ट्रैक्शन लूज ना हो, इसकी वजह से इंजन ब्रेक कम से कम यूज करें। बर्फीले और बर्फ से ढके रास्ते पर हमें वाहन की स्पीड को कम रखना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, धीरे से ब्रेक लगाएं। अगर ज्यादा तेज स्पीड में हम एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो वहां पर फिसलने का खतरा ज्यादा बन जाता है, तो इसलिए हमें धीरे से ब्रेक लगाने चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो सुरक्षित यात्रा के लिए आप टाटा की T16 अल्ट्रा के ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाटा की तरफ से सबसे अच्छा हैवी ड्यूटी ट्रक माना जाता है। अब बात करते हैं तरह तरह के मौसमों में कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं। सर्दियों का मौसम काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो जब भी आप कहीं निकलें, रूट पर निकलें, तो प्रॉपर रूट को चेक कर लीजिएगा, अपना वेदर कंडीशंस को सभी चेक कर लेना चाहिए। जहां आप जा रहे हैं वहां पर आंधी तूफान का ध्यान रखें। कोहरे का मौसम हानिकारक हो सकता है विजिबिलिटी के मामले में कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर के लिए। स्नो भी एक वजह है जहां पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। आंधी तूफान में भी कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर के लिए काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाती है। स्नो के टाइम पर ब्रिजेस पर सतह काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाती है, तो वहां पर हमें सतर्क रहना चाहिए। ब्लैक आइस का ध्यान रखें, क्योंकि जब बर्फ पिघल जाती है तो वहां पर एक काली लेयर जम जाती है जो बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है। बर्फीले मौसम में एंटीना एंड वाइपर विंडशील्ड की साइड जो है वहां पर भी बर्फ जम जाती है, तो उस चीज का ध्यान रखें। तो अब आप टाटा मोटर्स के फ्लीट एज ऐप, तो उस ऐप के थ्रू आप अपने कमर्शियल व्हीकल की सर्विस टाइमिंग का पता कर सकते हैं इजीली। सर्दियों के मौसम में कमर्शियल व्हीकल को अपने तैयार रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उसका भी ध्यान रखें। मौसम के हिसाब से अपने व्हीकल का नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए और उसकी जाँच करते रहना चाहिए। अब अपने वाहन से दूसरे वाहन की प्रॉपर दूरी बनाए रखें। दोनों के बीच में एक सुरक्षित बफर जोन होना चाहिए। आगे वाले वाहन की ब्रेकिंग लाइट्स को क्लोजली फॉलो ना करें, थोड़ी दूरी जो है प्रॉपर मेंटेन रखनी चाहिए। और इसके अलावा जब तक आवश्यक ना हो तब तक अपनी लेन चेंज ना करें और किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। गाइज, अभी सभी कमर्शियल व्हीकल के ऑपरेटर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड इन सभी टिप्स को आपको फॉलो करना है विंटर्स के सीजन में ड्राइव करते हुए। अपने विंडशील्ड एंड मिरर को क्लीन रखें और ध्यान से चलाएं, धीरे से ब्रेक लगाएं, सभी वेदर्स कंडीशन को देख लेना चाहिए पहले से पहले ही, एंड ब्लैक आइस में देख कर चलाएं, एंड पहले ही अपने कमर्शियल व्हीकल की इंस्पेक्शन अच्छे से जाँच कर लें और सामने वाले व्हीकल से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। बाकी ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर।